नॉट देयर, मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट देयर, ठीक है। अच्छा तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगी, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको कम नंबर मिलनी चाहिए, मतलब उसके साइड से ही नंबरिंग करी जाती है, इस साइड से नंबरिंग करी जाती है जिस तरफ से कि उसको कम नंबर मिले। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगी तो इसको तो 1 2 3 4 5 4 नंबर मिल जाएगा डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें कि डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजिशन मिल गया और इथाइल को थर्ड पोजिशन मिल गया और मिथाइल को फोर्थ पोजिशन मिल गया है, ठीक है। तो ध्यान रहे जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं तो हम इस तरीके से, अब ठीक है अभिषेक, अब ठीक है, तो हम इस तरीके से नंबरिंग करते हैं कि डबल बॉन्ड का नंबर पहले आना चाहिए, वो जल्दी आना चाहिए, उधर के साइड से करी जाए, उसको कम नंबर मिलने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अब ये तो इथाइल ब्रांच, ये तो ब्रांचिंग है तो प्रीफिक्स में जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, और इथाइल वैसे भी आपको बता चुकी हूँ, इथाइल जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो एम से स्टार्ट होता है मिथाइल, ये ई से स्टार्ट होता है इथाइल, तो ई वाले को पहले लिखना है 3-ethyl 4-methyl, और क्या है पेंट है ना, 5 का मतलब पेंट हो गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो पेंट 1-ene, ईन का मतलब डबल बॉन्ड है और 1 का मतलब ये डबल बॉन्ड का पोजीशन मुझे यहाँ पे बताता है कि 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1-ene लिखी जाती है, ठीक है। सो दिस इज 3-ethyl 4-methyl pent 1-ene, ये एक नंबर है ना आपको करनी है। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया था तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करा था मैंने, और फिर ब्रांचिंग को लिखते हुए इथाइल को हमेशा पहले लिखा जाता है क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो 3-ethyl 3-ethyl 4-methyl पेंट 1-ene करा मैंने। अब यहाँ पे भी आपको डबल बॉन्ड को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी तो नंबरिंग किधर से करेंगे आप, बहुत अच्छा बाकी राइट से होगा, हाँ कहाँ से होगा, कहाँ से होगा शुभम, मैम लेफ्ट से, लेफ्ट से होगा तो अगर मैं राइट से स्टार्ट करूंगी तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रहा है, सेकंड मिल जाएगा ना, तो हमें तो कम नंबर देनी है ना डबल बॉन्ड को, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1-2-3-4-5 and 6, 1-2-3-4-5 and 6 इज द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। अब क्या करेंगे, इसका नंबरिंग में क्या हो गया, मेरा एक पोजिशन पे डबल बॉन्ड है और फोर पोजिशन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है और थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, तो क्या लिखना है इसको हमें, बहुत अच्छा, डाइईन, ललित डाइईन, अच्छा डाइईन है और हेक्सा लिखा है ना, ये सम हेक्सा लिखा है, हाँ डबल दो है ना, दो के लिए जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो जाता है तो हम फिर हेक्स पेंट नहीं लिखते, पेंटा हो जाता है, हेक्स के बदले हेक्सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या लिखना है मुझे, सबसे पहले प्रीफिक्स को डाल देते हैं, ब्रांचिंग को पहले डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, 3-ethyl 3 पे इथाइल भी है और 3 पे मिथाइल भी है, तो क्या लिखना है 3-ethyl 3-methyl 3-ethyl, अभिषेक ने भी लिखा है, बहुत अच्छा, ठीक है 3-ethyl 3-methyl हो गया, प्रीफिक्स जुड़ गया पहले 3-ethyl 3-methyl हो गया, उसके बाद 6 कार्बन है हेक्स नहीं लिखूंगी, दो डबल बॉन्ड आ गए ना तो मैं यहाँ पे हेक्सा लिखूंगी, हेक्सा कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक फर्स्ट पोजीशन पे है और एक फोर्थ पोजीशन पे है, सो 1-4 दो डबल बॉन्ड है, डाइईन,
तीन डबल बॉन्ड होते तो ट्राइइन, चार होते तो टेट्राइन, इस तरीके से आपको लिखने पड़ते हैं। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा लेके चलती हूँ, ये हो गया डबल बॉन्ड वाले में, आपको आपने कर लिया है, आपको ये मैंने बताया था ना दो डबल बॉन्ड वाला भी आपको बता दिया था, दिस इज डन, यस मैम, ये हो चुका था हमारा, है ना। तो फिर हम आगे और भी करेंगे तो फिर देखेंगे किस तरीके से। अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो भी मैम मतलब हेक्सा ये सब होगा ना, ए लगे क्या के, यस मैम, अगर मतलब जैसे यहाँ पे दो डबल बॉन्ड आए थे तो अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तब भी मैम मतलब हेक्सा की जगह हेक्सा में, हाँ बिल्कुल, दो अगर ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तब भी, दो ट्रिपल बॉन्ड में भी, तीन ट्रिपल बॉन्ड में भी हेक्सा पेंटा ऐसे आएगा, ठीक है ना अभिषेक, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैं थोड़ा आपको पहले मेन जो है ना पढ़ लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स वैरायटीज ऑफ यहाँ पे एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाए। तो क्योंकि ये मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ कि मैं जितना भी आपको ये करवाऊंगी मुझे कम ही लगेगा, फिर दो नए मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, है ना, तो वो धीरे धीरे करके हम करते रहते हैं। हम एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा साइक्लिक वाला दूं, साइक्लिक वाला ही तो हो गया, सिंपल वाला हो गया, अच्छा यस मैम, थोड़ा दो तीन साइक्लिक कर लेते हैं। देखो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड आ रहे हैं और स्ट्रेट चेन में ब्रांचिंग हो रही है। अब आपको मैं बताऊंगी कि अगर मैं एक रिंग बना दूं तो रिंग में भी डबल बॉन्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड आ गया तो ये किसके अंदर आएगा, साइक्लोएल्कीन, एल्कीन तो डबल बॉन्ड होता है, साइक्लोएल्कीन का मतलब है रिंग में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे मैं इस तरीके से एक मिथाइल भी लूंगी और यहाँ पे एक, खैर आपको ज्यादा हो जाएगा, पहले आप इतना कर लो, चलो क्या होगा इसका नाम, ये मैंने एक साइक्लो कंपाउंड ले लिया है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड मैंने ले लिया है और साथ में दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इसको, उसके बाद आपको मैं सीधे एक दो करा मैम, हो गया, हो गया मैम, डन मैम, डन है ना, दो तीन करा देते हैं फिर हम आगे चले ना। ठीक है दो तीन कर लेते हैं, क्या है देखो तीनों हो चुके हैं, यस मैम हो गया, यस मैम, यस मैम, ठीक है। तो एक एक फटाफट करते हैं फिर मैं आपको फिर अल्काइन में चलेंगे ना, ठीक है। तो असल वैसे आपको मैंने क्या कहा था, ठीक है ओके, डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा एक पाई, आपको पता है ना डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई होता है ना, वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड होता है, राइट, ठीक है। और पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड से वीकर होता है, पाई बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है ना वो सिग्मा बॉन्ड से थोड़ा वीकर होता है, मतलब पाई बॉन्ड पहले टूटता है। अगर यहाँ पे दो बॉन्ड बना है, अगर एक सिग्मा है और दूसरा वाला पाई है, तो ध्यान रहे पाई बॉन्ड जहाँ पे भी आपको पाई, आपको वैसे हम नीचे वाले को सिग्मा लेते हैं, वन सिग्मा एंड वन पाई लेते हैं, तो पाई बॉन्ड पहले टूटता है, पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होती है वो पहले टूटता है, फिर सिग्मा बॉन्ड टूटता है। दैट्स व्हाई एल्कीन जो होते हैं वो थोड़ा सा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वहां पे इजीली पाई बॉन्ड टूटने का चांसेस होता है, एंड दैट्स व्हाई एल्कीन्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो साइक्लोएल्कीन हो, जहां पे डबल बॉन्ड होता है दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ध्यान रहे। तो बिकॉज ये अनसैचुरेटेड है, लाइक ये रिएक्शन दिखाएंगे, जब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड खाली रहेगा, तब ये कहेगा कहा जाएगा फिर सैचुरेटेड कहा जाएगा, ये आपको मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे एल्केन को सैचुरेटेड कहते हैं, साइक्लोएल्केन को भी सैचुरेटेड कहते हैं,
अल्कीन को अनसेचुरेटेड कहते हैं और साइक्लोएल्कीन को भी अनसेचुरेटेड कहते हैं। अब जब इसका नेमिंग में लिखूंगी अभी क्या होगा, देखो क्या कह रहे हैं मैंने, ये रिंग है, पूरा रिंग है, कितने कार्बन का रिंग है, एक दो तीन चार पांच और छह कार्बन वाला एक रिंग है जिसके अंदर एक जगह पे डबल बॉन्ड बना है, दो ब्रांचिंग है। और आपको ये भी पता है कि ब्रांचिंग से भी डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड को मुझे कम नंबर देने के लिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगी, तो फर्स्ट पोजिशन पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, वन, और ऐसे चलूंगी सो दैट इसको भी कम नंबर मिलेगा, मैं अगर इधर से चलूंगी तो फिर इसको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे ना, तो मैं ऐसे चलूंगी, इनका भी स्मॉलेस्ट सब्स्टिट्यूट जो पोजिशन है, जो इनका जो लोकेशन है, उनको कम नंबर से मुझे यहाँ पे ये करना पड़ेगा। तो वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से अगर नंबरिंग करूंगी तो इस मिथाइल को थर्ड पोजीशन मिला, इस मिथाइल को फोर्थ पोजीशन मिला, डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल गया है, तो ये सबसे बेस्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर माना जाता है। इस तरीके से नंबरिंग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इट विल बी 3-4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1-ईन, सब कुछ मुझे बताना है। फोर डाइमिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि ये सब प्रीफिक्स है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब प्रीफिक्स में जाएंगे, 3-4 डाइमिथाइल, उसके बाद कार्बन कितना है, 6 कार्बन है और साइक्लो है, सो साइक्लोहेक्स और डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन पे है, साइक्लोहेक्स 1-ई, ठीक है, 3-4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1-ई, दिस इज डन। साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो आराम से, वन को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, बट अगर टू थ्री होता है तो लिखना पड़ता है हमें, वन को चलेगा, आप साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सीन अगर आप लिखोगे ना, अगर आप साइक्लोहेक्सीन भी लिखते हो तो ये अंडरस्टूड है कि वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा आप नंबरिंग करो, ध्यान रहे इस तरीके से नंबरिंग करना है कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, साथ में अगर पॉसिबल है तो सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले, ये ट्राई करके चलना है। सबसे पहले डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी है, उसको ऐसे नंबरिंग करोगे कि उसका नंबर पहले आना चाहिए, और साथ में ये भी देखना पड़ेगा हमें कि अगर पॉसिबल है तो बाकियों को भी कम से कम नंबर मिले, इस तरीके से हमें एक नंबरिंग करनी है। तो ये कैसे होगा, नंबरिंग कहाँ से हो जाएगा बताओ मुझे, CH3 से 1-2 जाएगा, तो नंबरिंग मैं फिर यहाँ से करती हूँ 1, 2, 3 and 4, तो फायदा क्या है, देखो फायदा ये है कि एक तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिला, मिथाइल को भी फर्स्ट पोजीशन मिला और इथाइल को थर्ड पोजीशन मिला। आप अगर किसी भी और तरीके से करते हो तो इससे पैटर्न नंबरिंग तो नहीं हो सकता। आप अगर यहां से स्टार्ट करना चाहोगे, मान लो आप यहां से स्टार्ट करना चाहोगे, मान लो ऐसा है, बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे बहुत सारी जगह पे भी मिस्टेक करते हैं, लाइक ये है, तो बच्चे क्या करते हैं 1, 2, 3, 4 करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। आप मुझे बताओ अगर मैं नंबरिंग 1, 2, 3, 4 करूंगी तो वन पोजीशन में डबल बॉन्ड होगा या फोर पोजीशन में होगा, मैं अगर नंबरिंग ऐसे चढ़ाऊंगी तो ये डबल बॉन्ड अभी कौन से पोजीशन में आपको आ रहा है, फोर पोजीशन पे, फोर पे आ रहा है ना, यस मैम, तो जब मैं ऐसे ही घूमूंगी तो ये डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन में आएगा, फोर के बाद आएगा ना, फोर के बाद, तो आप क्या लिखोगे, फोर ही लिखोगे ना, वन थोड़ी लिखोगे, वन थोड़ी लिखना है, तो ध्यान रहे डबल बॉन्ड यहां से अगर स्टार्ट करोगे
तो ये 1 2 3 4 होगा, 1 पे आएगा। ऐसे नंबरिंग करोगे तो 1 पे डबल बॉन्ड नहीं है, 4 पे आ जाएगा, ध्यान रहे। तो नंबरिंग थोड़ा कैरफुली करना है आपको, और बाकी आज आपको मैंने बता दिया है, अभी गड़बड़ हो जाता है, कई बार गड़बड़ हो जाता है बच्चों से भी। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 और 4 आएगा, तो एक तो मिथाइल को सेकंड नंबर मिलेगा, इथाइल को 4 नंबर मिलेगा, तो बहुत ज्यादा नंबर बढ़ चुका है मैं सब्सट्रेट का, तो वो नहीं चलेगा। हम इस तरीके से नंबरिंग करते हैं कि डबल ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता है और साथ में ब्रांचिंग को भी कम नंबर मिलता है। तो ये क्या बनेगा, अभी क्या लिखना है, इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है ई, तो मुझे पहले 3 इथाइल लिखना पड़ेगा, 3 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोब्यूट। ये चार है देखो, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 मतलब ब्यूट हो जाएगा। तो क्या लिखना है हमें इसमें, लिखना है 3 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लो, रिंग आ गया। अब इसके लिए ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, साइक्लो व्हाट लिखना है, साइक्लो ब्यूट, सॉरी साइक्लो ब्यूट, ब्यूट के बाद क्या लिखना है, 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 ईन, या फिर साइक्लो ब्यूटीन भी लिखो। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसका क्या लिखा आपने मैम, इसका लिखा है 4 मिथाइल 5 मिथाइल साइक्लोपेंटा 1 3 डाइन, 5 मिथाइल साइक्लोपेंटा 1 3 डाइन। ठीक, बहुत अच्छा। यहाँ पे नंबरिंग क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे डबल बॉन्ड पे हो ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो डबल बॉन्ड को कम नंबर अगर दूंगी तो मैं कहाँ से नंबरिंग करूंगी तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, यहाँ से ना, 1 2 3 4 and 5। इसका मतलब क्या है, पहला डबल बॉन्ड को एक पोजिशन मिल गया, दूसरा डबल बॉन्ड को थर्ड पोजिशन मिल गया, इससे बेटर नंबर। मैम इसे अगर एक दूसरे की तरफ करेंगे तो फिर 1 2 मिल जाएगा ना, किसके तरफ मैम, जैसे जहाँ पे अपने 2 लिखा है उसकी जगह 1 करेंगे, फिर इस साइड से चलेंगे तो 1 2 करके ऐसे लेना पड़ेगा ना, अभी तो वही समझा रही थी मैं आपको। नहीं मैम, एक दूसरे की तरफ मैम, 2 मतलब 2 से फिर 3 की तरफ, यहाँ से 1 2 करके, वही तो समझा रही हूँ मैं तुम्हें, तुम ये बोल रहे हो कि 1 2 करोगे। यस मैम, तो 1 पे डबल बॉन्ड थोड़ी है, ये तो 5 पे आ गया, वही तो समझा रही थी मैं यहाँ पे, समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ। यस मैम, मतलब दोनों साइड से कम नंबरिंग होनी चाहिए। नहीं नहीं, दोनों साइड से कम नंबरिंग नहीं, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें पूछूंगी, तुमने कहा ऐसे करने के लिए 1 2 3 4 और 5, यही ना तुमने यही कहा था ना अभिषेक? यस मैम। अच्छा, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजिशन अगर पूछा जाएगा तो क्या क्या कहोगे आप, डबल बॉन्ड कौन कौन से पोजिशन में है? 1 2 3 5। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या, जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, साइक्लोपेंटा लिखोगे, उसके बाद कौन कौन सा पोजीशन दोगे, इन डाई इन से पहले कौन कौन सा पोजीशन दोगे? 2 and 5। 1 2 क्या क्या अभिषेक? हम 3 5 देंगे ना, अगर ऐसे होगा तो 3 5 देंगे ना, 2 5 मिलेगा ना, 2 5। अगर मैं डबल बॉन्ड कौन से पोजिशन में, आप तो क्या कहोगे, एक डबल बॉन्ड सेकंड पोजिशन पे है, इजंट इट, दूसरा डबल बॉन्ड 5 पोजिशन पे है, 1 भी नहीं है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता और आप ऐसे चलते तो आप कहते 1 पे डबल बॉन्ड है, समझ में आ गया? इस फिगर में मैम डबल बॉन्ड एक तो 1 5 और 2 3 के बीच में है ना, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे कौन कौन सा पोजिशन, हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं ना, जैसे कि ये कंपाउंड है,
नंबरिंग कहां से करूंगी मैं, बताओ मुझे। नंबरिंग मैम आप यहां से करोगे, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से करेंगे, ठीक है। आपको बोलेंगे इसमें डबल बॉन्ड कहां से होते हैं, आप क्या करोगे मैम? टू और फोर पे। हाँ, टू पे है और आप कहोगे क्या थ्री पे है? नो मैम, नो मैम, आप थ्री पे है तो नहीं कहोगे ना, टू और थ्री के बीच में है, बट आप क्या कहोगे? टू पे डबल बॉन्ड है और फोर पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या कहोगे? यहाँ पे मैम फिर ऐसे टू और फाइव पे आएगा। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो एक टू पे आएगा और एक फाइव पे आएगा डबल बॉन्ड। हम बाद का कहते हैं, टू से पहले, टू के बाद जो डबल बॉन्ड होता है उसको टू पे नाम देते हैं। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो मैं थ्री पे डबल बॉन्ड कहती। तो हमेशा हम फॉरवर्ड चलते हैं ना, तो इसके बाद अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड तीन पे कहती, यहाँ पे तो दो के बाद है, तो अगर यहाँ पे है तो दो के बाद है, यहाँ पे अगर है तो फाइव के बाद है, जैसे मेरा रेंज जा रहा है उस तरीके से कहेंगे ना। दैट्स व्हाई ये सही नहीं रहेगा। ऐसे अगर होगा तो डबल बॉन्ड को पांच नंबर मिल गया, बहुत ज्यादा मिल गया। तो इसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से लेते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव, अब आप क्या कहोगे डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है? एक फर्स्ट पोजीशन पे है और दूसरा थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर है। अब आप ले सकते हो यस फाइव मिथाइल साइक्लोपेंटा वन थ्री डाइन, वन थ्री डाइन, ठीक है। ध्यान रहे दिस इज फाइव मिथाइल, साइक्लोपेंटा, पेंटा क्यों लिखा? मैं तो पेंट भी लिख सकती थी, फिर पेंटा क्यों लिखा मैंने? इसीलिए मैंने पेंटा लिखा। फाइव मिथाइल साइक्लोपेंटा। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन मुझे बताना है, एक वन पे है और एक थ्री पे है, तो चलेंगे वन थ्री डाइईन, दो है तो सिर्फ। मैम अगर हम वन को टू के पोजीशन से स्टार्ट करें तो? अभी वही तो बता रही थी मैं, मतलब ऐसे क्या बोल रहे हो? वन टू थ्री फोर फाइव, नहीं मैम यहाँ पे वन, टू के पोजीशन में वन, फिर राइट साइड से यहाँ पे दो आएगा। यस मैम। अभी तक तो यही समझा रही थी मैं बच्चों को, अभिषेक ने तो वही पूछा था मुझे, अभिषेक वही पूछा था ना तुमने कि मैं वन टू थ्री फोर फाइव, समझ में आ गई कि नहीं अभिषेक? इसमें आ गया। हाँ, तुम यही बोल रहे हो सांतन? यस मैम। एक मिनट रुको, बच्चा ये तो नहीं हो गया ना, एडमिट होना। हाँ, अगर आप ऐसे करोगे सांतन तो डबल बॉन्ड, तो एक तो दो पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, दूसरा पांच में आएगा। हम ऐसे निकल रहे हैं ना, हम ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ऐसे, समझ में आ गया सांतन? समझ आ गया। हाँ मैम। अगर मैं ऐसे मूव करूंगी तो वन से मूव करेंगे ना, तो वन से अगर मैं ऐसे मूव करूंगी तो पहला डबल बॉन्ड तो दो पे आएगा और दूसरा डबल बॉन्ड पांच के बाद आएगा, है ना? एंड उसमें तो फिर डबल बॉन्ड को पांच पोजीशन ज्यादा मिल जाएगा। तो हम इस तरीके से नंबरिंग करते हैं कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले जितना पॉसिबल हो सके। समझ में आ गया बच्चे? फॉरवर्ड में हम मतलब अगर हम मतलब मूव करें फॉरवर्ड में कार्बन चेन में, तो मैम जो पहले आता है उसको हम फिर लिखते हैं ना, मतलब नेमिंग में। हाँ हाँ। मैम मेरे को मैम मिसकंसेप्शन था कि मैम मतलब डबल बॉन्ड में से जो छोटा नंबर है उसको लिखते हैं, जैसे वन और फाइव में से डबल बॉन्ड वन पे है, तो इसलिए मेरा हो रहा थोड़ा गड़बड़। अच्छा, तुम्हें ये लग रहा था कि वन पे तुम ये सोच रहे हो कि अगर मैं ऐसे चलूं तो वन पे डबल बॉन्ड लिखा जाएगा, यही सोच रहे थे तुम? नहीं मैम, मैं सोच रहा था कि मैम डबल बॉन्ड जिस पे, जैसे यहाँ पे वन और फाइव एक डबल बॉन्ड लेके बैठा है यहाँ, और टू और थ्री, तो फिर मैम दोनों में से जो छोटा है जैसे वन और टू। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे फॉरवर्ड चलोगे ना तो आप अपना साथ साथ लेके चलोगे कौन पहले आता है। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ अपना जर्नी, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ऐसे मूव करती हूँ, तो पहला डबल बॉन्ड तो दो पे आएगा, इजंट इट? ऐसे चलते हैं। फिर उसके बाद फिर घूमूंगी घूमूंगी, सेकंड डबल बॉन्ड पांच पे आ जाएगा, फिर
यस मैम, फिर फॉरवर्ड में फाइव पहले लेना पड़ेगा। हाँ हाँ फिर फाइव लेना। एक क्या है, चीज थोड़ा टाइम लेता है ना, ये एक सिखाने वाली चीज है, तो थोड़ा सा मैं वही सिलेबस के लिए थोड़ा सा मैं अभी डेली क्लास ले रही हूँ, है ना, लेना तो पड़ेगा। आप मेरी क्लास रोज रहेगी, किसी ना किसी तरीके से मैं रोज एक घंटा दूंगी आपको। कल तो है ही ऑफिस में, कल तो ऑफिस में है ही, वो तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप रेडी हो तो ऑफिस से आने के बाद भी इस टाइम मैं 9:30 बजे एक ले सकती हूँ। जिस ऑफिस से आ जाएंगे तो मैं आपको कंटिन्यू करा दूंगी। थोड़ा सा क्या हो रहा है मुझे अभी, जैसे 11 तारीख हो गया ना, थोड़ा मुझे लग रहा है कि खत्म हो जाना चाहिए, ये जल्दी खत्म हो जाएगा तो अच्छा है। कुछ कुछ बच्चों का तो लेट हो रहा है पेपर, बट स्टिल बाकी। अच्छा आप एक काम करोगे क्या, मैं आपको बहुत देर सोचे तब से बोलूंगी मैं, ये हमारा चैप्टर चलने दो, ये चलेगा, चलने दो। आपको रिविजन टेस्ट चाहिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे कि अभी हमारा ये चलता रहेगा, संडे को मैं इसका टेस्ट भी लूंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ। आज तो थर्सडे हो गया, तो संडे को मैं आईपैक नेमिंग के ऊपर एक टेस्ट भी लूंगी, तब पढ़ के आना अच्छे से संडे वाला जो इवनिंग टेस्ट है। बट व्हाई नॉट कि हम थोड़ा रिविजन टेस्ट स्टार्ट कर दें, मोल कंसेप्ट का एक टेस्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टेस्ट, तो आपको टाइम दूंगी मैं, दो दो दिन टाइम दूंगी आपको रिवाइज करने के लिए चैप्टर। जैसे अभी क्लास 12th का रिविजन टेस्ट चल रहा है एग्जाम से पहले, तो उनको 2 दिन टाइम मिलता है, तीसरा दिन आप उनके जो है वो टेस्ट हो जाता है थर्ड डे, फिर 2 दिन वो रिवाइज करती है कोई चैप्टर को, फिर थर्ड डे फिर टेस्ट होता है। तो आप ऐसा करना चाहोगे क्या? ये तो मैं करा ही रही हूँ, तो क्लास आओ yes, समझ में आ रहा है, दैट इज बेटर। अभिषेक, ललित, यस मैम सही है, है ना? Yes, तो आपको क्या है ना, आपका जब टर्म आएगा तो फिर आपको रिवीजन और उस टाइम के लिए रखना नहीं है, रिवीजन हम करेंगे और फिर सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे इस तरीके से। क्या है, आपको एक मोल कंसेप्ट का देना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टेस्ट देना है, एक थर्ड चैप्टर का देना है, एक केमिकल बॉन्डिंग का देना है, एक रिडॉक्स का देना है। अभी के लिए तो 5 चैप्टर हमारा पूरा डन हो चुका है, आप उसका टेस्ट रिविजन टेस्ट दे दो ना। एमसीक्यूज मैं दूंगी आपको, पता है स्कूल में टर्म में एमसीक्यूज आने वाला, तो मैं पूरा एमसीक्यूज टेस्ट दूंगी। That is, but ये चलता रहेगा। Ready हो तो मुझे बताना। Yes, ma'am, ready है। और उसके लिए खाली ready नहीं, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा चैप्टर को रिवाइज करोगे तो बेटर होगा। जैसे मोल कंसेप्ट में मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, इतना दिन गैप हो गया है तो दिमाग से हट भी जाता है, तो उसको एक बार कितना, एक दिन लगेगा रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो बेटर होगा। इस बार मैं क्या सोच रही हूँ ना, इस बार तो एक बार संडे को मैं इसका टेस्ट तो लूंगी ही, अगर आप कहोगे तो मैं एक संडे को वो आप घर में देना, वो जो संडे को टेस्ट है आप अपने कभी भी दे दो ना, आपको मैं 20-25 क्वेश्चन अपलोड करूंगी फर्स्ट चैप्टर का, आप कभी भी घर में बैठ के दो उसे, बट चिटिंग मत करना, पढ़ के देना उसे। ठीक है, तो गेट रेडी सारे बच्चे, गेट रेडी। अभी इस बहाने आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस, वैसे तो देखो क्या होता है ना, टाइम निकल ही जाता है, पढ़ते नहीं है बच्चे, स्कूल का काम है, ये फाइल बनाना है, ये प्रोजेक्ट बनाना है, करके टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो इस बार संडे को आप रेडी रहो, संडे को जो मैं पढ़ा रही हूँ आईपैक का भी टेस्ट लूंगी, और संडे को मोल कंसेप्ट का मैं एक टेस्ट लूंगी, या फिर जिस चैप्टर में आप कंफर्टेबल हो मुझे वो बता सकते हैं। मेरे ख्याल से मोर कंसेप्ट भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप रिवाइज करोगे तो। डन है एवरीवन, सारे बच्चे? यस। एम्पिरिकल फॉर्मूला है, उसमें मोलर कैलकुलेशंस है, तो अगर आप पढ़ के आओगे तो संडे को मैं एक टेस्ट अपलोड करूंगी। शर्मिष्ठा, सारे सारे बच्चों को बोल रहे हो, एवरीवन, और ये मेरी yes, पढ़ाती रहूंगी इसको, इसको थोड़ी आपको रिवाइज करना है, तो अभी फ्रेश है आपके लिए, थोड़ी रिवाइज करोगे इसको आप सीधे फर्स्ट टर्म में। जैसे उनका पूरा टाइम टेबल बना दिया है मैंने 12 बच्चों का कि कैसे रिवीजन करेंगे, कौन से डेट पे क्या देंगे, तो इस तरीके से 2-2 दिन गैप छोड़ छोड़ के उनका एक चैप्टर उनका रिविजन टेस्ट चल रहा है। तो आप भी ऐसे दो, इट विल बी बेटर आप, क्योंकि ना आप एक ही चैप्टर में, तो आप लगेगा आपको कह रही है मुझे तो बहुत कुछ रिवाइज करना, ऐसा लगेगा। ठीक है, एवरीवन रेडी विद दिस? अभिषेक, ललित, पंकज, एवरीवन, एंटन, आद्या, एवरीवन? यस मैम। आद्या का तो फर्स्ट टर्म खत्म हो गया, छोड़ दो, आद्या लोगों को नहीं पढ़ने में, बाकी जिनका फर्स्ट टर्म आने वाला है
तो गेट रेडी बी प्रिपेयर्ड विद चैप्टर वन मोल कंसेप्ट. दो टेस्ट लूंगी संडे को इस बार, एक तो सिंपल आईपैक नेमिंग वाला, ये तो इजी है कर लोगे. मोल कंसेप्ट का मैं एक पेपर बनाऊंगी एमसीक्यूज वाला. अभी से आप जैसे टाइम मिलता है रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, एक एक टॉपिक रिवीजन करते रहो, ठीक है ना. अच्छा अब आपको मैं सीधा लेके चलती हूँ, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब कुछ हो चुका है. सॉरी हम ट्रिपल बॉन्ड में चलते हैं, चलते अल्काइन में चलते हैं. लेट्स मूव टू अल्काइन. अल्काइन, अल्काइन का मतलब होता है सिंपली ट्रिपल बॉन्ड. अल्केन मीन सिंगल, अल्केन मीन डबल, एंड अल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल. अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2. ये है अल्काइन का जनरल फॉर्मूला, जहां पे अल्क जो है दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन. मुझे ये नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताता है, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, उसके बारे में बताता है. और जो आयन है